बिहार जैसा यूपी में होने जा रहा है खेला, खतरे में सीएम योगी की कुर्सी। सत्ता परिवर्तन के अखिलेश ने दिए संकेत, टेंशन में बीजेपी। अखिलेश यादव ने चली राजनीति में शतरंज की चाल, बीजेपी में भूचाल। चुनाव में हार के बाद सत्ता पर काबिज होने का अखिलेश यादव का मास्टर प्लान। यूपी चुनाव में समाजवादी की करारी हार के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बिहार जैसा हाल होने वाला है, यानी अखिलेश यादव के रिश्तेदार तेजस्वी यादव जिस तरह हार के बाद बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए थे, ठीक उसी राह पर अखिलेश यादव अपना कदम बढ़ा रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा, कैसे सत्ता पर काबिज होंगे, ये सब कुछ आपको बस कुछ ही मिनटों में दिख जाएगा। बताते चले, यूपी की बीजेपी में अपना सिक्का जमाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मीडिया में कई बार खबरें आ चुकी है। इन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव है, जिसका कारण है कि केशव प्रसाद मौर्य राजनीति में बड़ा भूकंप लाने वाले हैं। क्या ये सच है? ये जानने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि कई बार केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर विपक्ष आरोप लगा चुका है कि उन्हें उनके मन के मुताबिक पद नहीं मिला। केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान पर बैठना था, मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश चलाना था, लेकिन ये ख्वाब उनका अधूरा रह गया। मुख्यमंत्री की रेश में केशव प्रसाद मौर्य जब पिछली बार आए थे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद मौर्य समाज में बीजेपी के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गोरखपुर से अचानक योगी लखनऊ पहुंचे और यूपी के मुख्यमंत्री बन बैठे। तब से लोग यह कयास लगा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम के बीच विवाद है, जबकि इसी बात को लेकर केशव प्रसाद मौर्य कई बार बयान दे चुके हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है, मुझे इस नेतृत्व में कोई तकलीफ नहीं है। तो कैसे यूपी में बिहार वाला खेला होने वाला है, अब ये जान लेते हैं। दरअसल एक निजी कार्यक्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य के पास 100 विधायक होते तो वो हमारे पास आ जाए, हम उनको समर्थन देंगे। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का बड़ा मन है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब यूपी में बिहार जैसा हाल होने वाला है। इस बात की चर्चा के दौरान केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह तालाब से मछली निकलने के बाद तड़पती है, ठीक उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता में न होने के बाद तड़प रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। राजनीतिक जानकारों की बात माने तो केशव प्रसाद मौर्य को अगर ये ऑफर चुपके से मिलता तो बीजेपी में बगावत की संभावनाएं थी, पर अखिलेश यादव ने खुले मंच से कह दिया तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।